नमस्कार दोस्तों, कुकिंग क्लास स्विता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल मूंगफली और गुड़ की बहुत ही टेस्टी चिक्की। कई जगह इसे चिक्की बोला जाता है, कई जगह इसे गज्जक बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसे गज्जक बोला जाता है, आपके वहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही करारी बनी है एकदम, बहुत ही अच्छी लगती खाने में, और विंटर में तो ये बहुत ही अच्छी लगती खाने में। बाहर से लाने से की बजाय आप इसे घर पर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ये मैं बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी, आपको बेहद पसंद आएगा। और आप भी घर पर ये बहुत सारी गज्जक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ये करारी बनी है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए, बहुत सारी ये गज्जक बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गज्जक बनकर तैयार हुई है बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा मैंने बनाई है। इसे आप महीनों तक खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये लगती खाने में। ये देखिए बहुत ही करारी ये बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई लिए, कढ़ाई में ये हमने कच्ची मूँगफली के दाने लिए हैं 1 कप। यहाँ पर ये 250 ग्राम है। तो इन्हें पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी इसे यहाँ पर भूनने के बाद कोई भी आप किचन टावल ले सकते हैं, उस पर इसे निकाल दें। गरम गरम ही इसे ऐसे रब करेंगे तो ये जो छिलके हैं इसके ऊपर से निकल जाएंगे। ये देखिए, हाथों से भी आप इस तरह से ये छिलके हटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, अभी ये छिलके हटा लिए हैं। अभी यहाँ पर ये इस तरह से करछी लेंगे, जिससे पूरियाँ वगैरह बनाते हैं वो करछी लेंगे, इससे सारे छिलके नीचे निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर चकला बेलन पहले ही हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इस पर घी लगा लेंगे अच्छी तरह से, और बेलन पर भी, चकला पे भी अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अभी इसे हम साइड रख देते हैं। अभी कढ़ाई में यहाँ पर हम गुड़ लेंगे। तो जितनी हमने मूँगफली ली है उतना ही गुड़ लेना है इसमें। तो मैंने 250 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं, तो 250 ग्राम यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। अभी इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेना है गुड़ को। ये देखिए, अभी यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी हैं, और ये देखिए गुड़ अभी अच्छी तरह से नहीं पका है। इसे चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। किसी भी कटोरी में आप पानी डाल लें, फिर उसमें ये एक से दो ड्रॉप डालकर देख लें। अभी ये बिल्कुल कच्चा है, देखिए इस तरह से। अभी इसे पकते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुकी थी, अभी भी ये बिल्कुल कच्चा है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट हो गई थी और पकाते हुए, उसके बाद भी ये देखिए ऐसे जैसे हम तोड़ेंगे तो ये लंबा होता जाएगा। अभी भी ये बहुत ही कच्चा है, अभी इसको और पकाना कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने इसे पकाते हुए 10 मिनट हो चुकी थी, और यहाँ पर अभी इसको मैंने चेक करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाली है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो ड्रॉप डाली है अंदर से चेक करेंगे तो ये आराम से टूटने लगे, देखिए इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी तरह से आपकी भी ये गज्जक बनकर तैयार होगी। अभी इसमें मूँगफली के दाने डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमने जो बेलन और चकला तैयार किया है उस पर हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, जल्दी जल्दी ही हमने ये काम करना है। पहले ही घी लगा लिया था इसी तरह से, ताकि बाद में ये एकदम बना। अभी देखिए, सारे ये जो है बैटर चकला बेलन पर, इस चकले पर निकाल लिया है। आप कोई भी थाली ले सकते हैं, उस पर ऑयल लगा कर उस पर निकाल सकते हैं। अभी इसको हल्के हाथों से ऐसे फैला लेंगे। अभी यहाँ पर चाकू की सहायता से इसे जो बाहर निकल गए हैं उसे अंदर कर देंगे। अभी इसे ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे, काटेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ऊपर से मैंने ये सफ़ेद तिल भी डाल दिए हैं, ताकि और भी अच्छा टेस्ट आए इसका। अभी देखिए, यहाँ पर कम से कम 10 मिनट हो चुकी थी, और ये ठंडी भी हो चुकी है और अच्छी तरह से सेट भी हो चुकी है गज्जक। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया गज्जक बनकर तैयार हुई है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से गज्जक बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही टेस्टी ये गज्जक बनेगी।
खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को खासकर पसंद आती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएगी और आपकी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।